स्टूडेंट आपके सामने आज हम वीडियो जो लेकर आए हैं मैथ्स को आप कैसे तेज करें, इसके पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं। सेम उसी प्रोसेस पर आज हम बताएंगे कि मैथ में टॉपर कैसे बनना है, यानी गणित में टॉपर बनने के लिए आपको क्या क्या चीजें अपनाना होगा। तो आज मैं बोर्ड को चेंज किया हूं, तो वीडियो की क्वालिटी या बोर्ड कैसा लग रहा है थोड़ा सा आप कमेंट जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछला वाला बोर्ड चेंज कर दिया हूं, वो छोटा बोर्ड था और इसको मैंने दूसरा बोर्ड लेकर के आया, तो मैंने खुद सेटअप किया है इस बोर्ड का। तो आप बताइएगा कि कैसा ये है, आपका रिस्पांस इस पर है ठीक है। और क्वालिटी जो है देख रहे, लाइटिंग की थोड़ा भी व्यवस्था ठीक से नहीं किए हैं, थोड़ा लाइटिंग सेटअप कर दें। इधर उधर लाइटिंग है, जो इधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ये दिखेगा नहीं ठीक है। बाकी ये और सारी चीजें वैसे लगभग ठीक ही होगी। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि आप गणित में टॉपर बनने के लिए क्या क्या चीजें अपनी, ये बेसिक चीजें आपको फॉलो करना, और एक एक बात को हमारे ध्यान देना है। अब बोर्ड बड़ा है तो सारी चीजें समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान दीजिएगा, गणित के बेसिक फाउंडेशन टॉपिक पूरा करना है, मतलब आपके गणित का जो फाउंडेशन बैच होता है, फाउंडेशन क्लासेज जो होती है, फाउंडेशन का मतलब ये हुआ कि आपका जो स्टार्टअप वाली क्लासेज होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि रूट्स वाली जो आपकी जड़ होती है, उनको आप उनकी टॉपिक को पहले करें, छोटे छोटे टॉपिक को आप पहले करें। मतलब आप समझ सकते हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो फाउंडेशन वाले होते हैं आपका, ये होते हैं कुछ इस तरीके से। यहां पर आपको मैं लिख देता हूं, वो आपके होते हैं कौन सा, फाउंडेशन में आपका हो जाता है प्लस माइनस, और उसके बाद गुणा, और उसके बाद भाग, उसके बाद रूट, और उसके बाद आपका दशमलव। ये इतनी फाउंडेशन की क्लासे जो है, सॉरी इनकी क्लासे आप कर लीजिएगा ठीक है, इनकी क्लासें आप कर लीजिए। अगर ये सब कंप्लीट है तो आप इस स्टेप पर आइए, बेसिक की पकड़ अच्छी बनाए, इनकी जो पकड़ है मतलब ये फाउंडेशन वाली की पकड़ जो है अच्छी बनाना है। आप इस स्टेप से इस स्टेप पर उतरेंगे, यानी आपको जैसे मान लीजिए आपको जोड़ पर कोई सवाल मिल रही है, तो आप जोड़ के उस चीजों को आप अच्छी तरीके से करें। और हाँ एक बात, अभी जोड़ आपको मिलेगा तो आप करने में परेशान होंगे, जैसे कि आपको इतना बड़ा जोड़ मिल गया ना तो आपको दिक्कत कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं देखो, मैं लिख दूं यहाँ पर दो प्लस इस तरीके से, ऐसे ऐसे मैं लिख दूं ना, इनको जोड़ने में आप क्या करेंगे, दिक्कत करेंगे। तो आपको इस तरीके से कैसे इसको जोड़ना होगा, इसके लिए मैं पर्सनल वीडियो लेकर आ रहा हूँ एडिशन का, जो कि आपको पता है वो आपका बेसिक आपके माइंड से खेली जाएगी और आप कर देंगे बहुत तेज। बस थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट जो है उसको पकड़ना होगा। इसके लिए आपको उसमें हमने समझाया है क्या करना है, कि आपको यहाँ पर दिमाग डालना है कि आपको ये चीजें जो है ना, इनको आपको अलग से देखना है। मतलब हमें ये चीज देखना है, ये क्या है छह, ये क्या है दो, ये क्या है आठ ठीक है। अगर आप समझते हैं छह दो आठ आठ और सोलह हो जाता है, मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि 160 है। जो जोड़ने पर हमारा वो एक जीरो उसमें ऐड कर देना है, एक जीरो ऐड करने का मतलब मुझे एक अंक मैंने छोड़ा है तो एक जीरो ऐड कर देना है, तो 160 ये हुआ था। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि दो छह आठ 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 सोलह हो गया, और सोलह में अगर यहाँ पर अब ये सोलह आप जो लिखिए, ये जो सोलह लिखे है ना, इस सोलह को अगर आप नजर से देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें आपका दस है और ये छह है। दिमाग लगाइएगा, ये दस है अच्छा है, मतलब कि आप ये वाला 10 इसमें निकाल लेंगे तो ये 10 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 170 हो जाएगा, और ये अच्छा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ये मैं समझाने के लिए लिखा, ना कि आप समझिए कि स्टेप कुछ नहीं। अगर आप जिस दिन इतना तेज करने लगेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा ये आपको। बस यहाँ से ऐसे करना है, ये 60 ये 20 आप समझ जाएंगे ना, ये हुआ क्या 80 160 ऐसे पढ़ेंगे, देखिए ये ऐसे पढ़ेंगे। ये छा को जो देख रहे हैं ना, छा को मत देखो, इसको आपको दिमाग में आपके 60 नजर आएगा। क्या नजर आएगा, ये 60 नजर आएगा। देखिए कैसे नजर आएगा, ये क्या 60 20 समझ जाएंगे, 60 20 80 8 160। और ये इसको इसको दिमाग बैठा लेंगे कि यहाँ समझ लेंगे कि छह दो आठ, और ये समझ लीजिए 16 हो गया, 16 में समझ लीजिए 10 बढ़ गया फिर से, मतलब ये 16 अगर आप जो भी समझ रहे हैं यहाँ पर आप 19 तक जाएंगे। अगर 11 है तो मैंने समझ लिया कि 10 निकल कर एक बचा, 12 है तो 10 निकल करके दो बचा। इसी तरीके से इसको जोड़ते हैं, बस आपका 60 10 70 और 6 76 ऐसे करना है इसको, दिमाग बहुत ईजी होता है। आप इस तरीके जोड़ेंगे 6 6 12 6 फिर 8 ऐसे ऐसे करेंगे, बहुत टाइम लगता है। ये आपको भी समझ में नहीं है, ये मैं क्लास चलवा रहा हूं, दो क्लास चला चुके हैं, तीसरी क्लास लेकर आऊंगा जस्ट, हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फास्ट कैलकुलेशन, उसको ज्वाइन करिए, अभी चल रही है करंट में। तो यहां पर मैं पहुंच रहा था यहां पर कि आपकी ये इस तरीके से प्लस वाली क्लास करेंगे, माइनस वाली क्लास करेंगे, गुणा और भाग इस तरीके से हमारी उस बैच में ज्वाइन करेंगे, तो सभी ये बेसिक फाउंडेशन बैच आप पूरा कर लीजिएगा ठीक है। उसके बाद आ जाइए कैलकुलेशन को फास्ट करें। अब कैलकुलेशन जब आपको ये आएगा तो कैलकुलेशन फास्ट ही हो जाएगी, यही मतलब हुआ कि इसके जरिए से आपका कैलकुलेशन फास्ट ही होगा। यानी आप जोड़ रहे हैं, जोड़ तो आपको आ रहा है, परंतु जोड़ उस तरीके से नहीं जोड़ पा रहे हैं जिस तरीके से चाहिए, हम फास्ट कैसे जोड़े। तो आप फास्ट जोड़ना
आपको आ जाएगा, तो वही होता है कैलकुलेशन को फास्ट करें। अब उस जोड़ को हम यूज करेंगे कहां पर, हम कैसे यूज करें कि हमारा जोड़ जो है वो अच्छी तरीके से, आप जोड़ने का तरीका जो होता है उसको अच्छी तरीके से जोड़ना सीख जाएंगे, आपको वो पता हो जाएगा, और कहां पर जोड़ा जाएगा, कहां पर गुणा किया जाएगा, कहां पर कैसे काटा जाएगा, कैसे क्या चीजें, वो चीजें कैलकुलेशन में देना। मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग दशमलव अंडर रूट स्क्वायर जो भी है ना, उनका यूजेज करके जब हम मान को निकालें वो होता है कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को हम कर लेंगे। ये भी फास्ट करना होगा अगर मैथ में तेज होने। उसके बाद थियरी प्लस एग्जाम्पल दोनों करें। अगर आप किसी क्वेश्चन की थियरी पढ़े हैं ना, तो उसका एग्जाम्पल करें विद थियरी एग्जाम्पल दोनों, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप थियरी पढ़े हैं तो उसको एग्जाम्पल में अप्लाई करो, क्योंकि जब भी आप अप्लाई करेंगे ना तभी आपको पता चलेगा कि हमारी थियरी कितनी मजबूत हुई, यानी थियरी का हमारा फायदा क्या हुआ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपनी थियरी को एग्जाम्पल द्वारा करेक्ट करना है कि हमारी थ्योरी सेट हुई कि नहीं। और एग्जाम्पल को इतना लगाएंगे कि आप 2-3 घंटा प्रतिदिन समय निकाल करके इस थ्योरी और एग्जाम्पल को करेक्ट करें। साथ ही साथ अगर ये कमजोर है तो उसको भी 1-1 घंटे, आधे घंटे कम से कम, आधे घंटे आप इस टाइम पर दीजिए। देखिए आपको मैथ, आप अभी क्लास में है तो आप क्लास की सोचेंगे सर इसको हम कब करेंगे इसको, तो आप गणित तो लगाते रहिए अपना, थियरी को एग्जाम्पल अपनी क्लास की गणित तो करते रहिए। उसके साथ साथ आप इस फाउंडेशन क्लास को और ये कैलकुलेशन को आप अलग से एक्स्ट्रा 20 मिनट या 30 मिनट देते रहिए। बात समझ गए ना। इस तरीके से 2 या 3 घंटे या 4 घंटे तक आप डेली टाइम जरूर दें गणित के लिए, तो आप गणित में टॉपर तो होके ही रहेंगे। और हमारे नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट है, पूरा देखिए पक्का आपको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि हमें फिजिक्स सर, फिजिक्स में कैलकुलेशन नहीं कर पाते, फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं कर पाते हैं, तो पहले तो आप ये सारी चीजें तेज करें, फिर आपको न्यूमेरिकल वगैरह सारी चीजें आ जाएगी। तो इसके लिए क्लास हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में से है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, चेक करिए और सपोर्ट करिए आप लोग। तो यहाँ पर नोट्स का प्रयोग करें, और विद की पॉइंट मतलब आप नोट्स जैसे जैसे आप हल कर रहे हैं, चीजों को आप लिख रहे हैं, हर एक थियरी हर एक फार्मूले यूज कर रहे हैं नोट्स में, तो उनको पॉइंट्स द्वारा आप नोट करते जाइए, यानी विद फार्मूला थियरी का की पॉइंट सब अच्छी तरीके से अपना नोट्स खुद बनाइए, क्योंकि आपका नोट आपके ही काम आएगा, किसी दूसरे का नोट्स आपको समझ में नहीं आएगा, काम भी नहीं आएगा। तो इसलिए अपना नोट्स खुद तैयार करो और खुद उसको पढ़ो, तब समझ में आएगा कि आखिर क्या चीज होता है। उसके बाद है ग्रुप डिस्कशन जरूर करें। जो ग्रुप होता है उनमें आप डिस्कशन करो कि जैसे आप हैं 2-3 दोस्त हैं, भाई जरा बताना यार कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, यार मेरे को ध्यान नहीं, आप जरा बताना। अच्छा याद ही है दोनों, चलो एक दूसरे से ऐसे पूछ रहे हैं, चलो पूछते हैं आज हम अलजेब्रा पढ़ेंगे, चलिए आप अलजेब्रा की हम तैयारी करते हैं दोनों लोग, तो आप क्या पढ़े हो, त्रिकोणमिति पढ़े हो, चलो मैं त्रिकोणमिति, दोनों लोग एक दूसरे से पूछते हैं, दोनों लोग आपस में क्वेश्चन करो कि अच्छा बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, या साइन 90° का मान कितना होता है। आप इस तरीके से एक दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो जो वो बताएगा अगर उसको पता लगे तो आपको भी नॉलेज हो जाएगा, तो डिस्कशन करने से आपका फायदा ही होगा, तो जरूर डिस्कशन करें। उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का प्रयोग करें। अगर अभी सुविधा है ऑनलाइन की, क्योंकि बहुत पहले जमाने में तो ऑनलाइन उतना नहीं होता था, लेकिन यहाँ तक कि अब ऑनलाइन बढ़िया से सारा चीजें आपको उपलब्ध करा रहा है, तो आप ऑनलाइन का पूरी तरीके से फायदा उठाइए, क्योंकि ऑनलाइन चीजें जो भी हैं वो भी अच्छी हैं। तो जो चीजें आप पहले ऑफलाइन ऑफलाइन आप बुक से पढ़िए, अपने स्कूल में पढ़िए, कॉलेज में और कोचिंग में जहाँ भी पढ़ते हैं वहां पर पढ़िए, अच्छी तरीके समझिए। साथ ही साथ नहीं समझ में आ रहा है कोई चीज नहीं है, तो आप एक बार ऑनलाइन सर्च करिए, उसको भी देखिए यूट्यूब के जरिए से, तो दोनों का सहारा आपको लेना है। उसके बाद है कई किताबों का प्रयोग करें, और किताबों जो आपके पास किताब है ना, तो उसका अधिक से अधिक किताबों का यूज करें, क्योंकि क्या होता है उससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है। उसमें कुछ दिया रहता है, उसमें कुछ दिया रहता है, परंतु दोनों तीनों को समझेंगे मिला करके ना, तो असलियत समझ में आएगी, मेन मुद्दा तो यही है। इसलिए किताबों का उपयोग किया जा सकता है, कई किताबों को। कुछ अध्यापक होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि सर एक ही किताब यूज करें, नहीं तो दिक्कत हो जाती है, बहुत सारी किताबें अगर यूज करने लगो तो समझ में नहीं आता है कि कौन सा करे कौन सा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किताबों का यूजेज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया कि आपको यहाँ तक पहुंच गया किताबों का यूज करें, तब पढ़ाई करिए। लेकिन फार्मूला क्या होता है मैथ में, फार्मूला बच्चों को याद करना पड़ता है, तो फार्मूला याद नहीं करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है फार्मूला का जो टॉपिक होता है, कौन से में टॉपिक में फार्मूला अधिक है, इसमें का फार्मूला हमें नहीं आ रहा है, ये फार्मूला हमको बहुत ही हार्ड लगता है, तो पहले क्या करें उस टॉपिक को आप चिन्हित करो, उसको अपने नोट्स में बनाओ हमें ये फार्मूला है, और उसी फार्मूले
उसी चिप टॉपिक को आप टॉपिक के अनुसार फार्मूला को लिख लो और समझो कि हमारा कौन सा फार्मूला समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप पहले फार्मूला बनाना सीखिए कि ये फार्मूला बन करके कैसे आया, मतलब उसका कॉन्सेप्ट और थियोरी पर विशेष ध्यान दीजिए कि ये फार्मूला बन करके कैसे आया और कहाँ से निकला, क्यों इसमें स्क्वायर यूज है कि इसमें माइनस यूज है, क्यों प्लस, क्यों ब्रेकर्स के ऐसे यूज है, वो सारी चीजें आप उसका कॉन्सेप्ट या थियोरी देखिए, समझिए, उसके बाद आपको फार्मूला खुद से थियरी करिए, खुद से फार्मूला बनाइए, क्रिएट करिए एक बार, बात को समझ गए ना, यानी कि आपको जब कॉन्सेप्ट पर जब थियरी पर ध्यान दे देंगे तो उसको एक बार फिर से अपने रिवीजन करिए, फिर से बनाइए, तो आपका फार्मूला जो होगा प्रश्न के अनुसार उसका यूज करिए, प्रयोग करिए क्वेश्चंस में, तो आपका फार्मूला याद हो जाएगा, फार्मूला भाग के जाने वाला नहीं रहेगा। और प्रैक्टिस अधिक से अधिक करते रहें, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो फार्मूला याद करने का ये एक तरीका होता है, अगर आप याद करेंगे तो पक्का याद हो जाएगा कि आपको जो फार्मूला है उसको पहले पार्ट चिन्हित कर लीजिए, उन पार्ट को चिन्हित कर फार्मूला लिख लीजिए, और अब क्या करिए, फार्मूला अभी भी याद मत करिए, पहले उसके कॉन्सेप्ट पर उसकी थियरी पर जाइए, थियरी को पढ़िए समझिए, और कहीं से भी समझिए जैसे समझ में आ रहा है उसको समझिए, उसके बाद खुद से उस थियरी को बनाइए और खुद उससे फार्मूला को निकालिए, और उस फार्मूला को निकाल करके अपने क्वेश्चंस में प्रयोग करिए, उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस करिए, फार्मूला लर्न हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। ये इतनी चीजें थी आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और हमारे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिएगा, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज हम वहां पर लाते हैं, प्लीज एक बार जरूर वहां पर विजिट करिए, आपको बहुत ही फायदा होगा, वहां पर मोबाइल कंप्यूटर के साथ ही साथ यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स देते हैं, साथ ही साथ कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और यहाँ साइबर अवेयरनेस जो होता है उसको हम जागृत करते हैं, तो प्लीज आप एक बार हमारे उस चैनल को भी विजिट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, या यूट्यूब पर सर्च करें मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, अपने भाई को अपने सर जी को प्लीज सपोर्ट करें, एंड ग्रुप्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से हैं उसमें आप ग्रुप में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, बस आप पक्का है कि आप जरूर किए होंगे, एक बार आप जरूर अपने बोर्ड पर ध्यान दीजिए कि कैसा लगा आज का बोर्ड, क्योंकि हमने चेंज किया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसी अच्छी सी टॉपिक पर हम बहस फिर से करेंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो और चाहे थियरी हो, चाहे कोई मोटिवेशनल हो। ओके, थैंक्स।